मैं डरने वाला और झुकने वालों में से नहीं हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती, बस मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे लिए वही काफी है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल 1500 साल पहले तकरीबन जो तिब्ब नबवी, जो नबी का इलाज था, वो इलाज जो मैं अपने वालिद वालिदैन से सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, वो इलाज मैं बता के देखा। बेंगलुरु में भी एक प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह से, जहाँ बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे बड़े बड़े उलमा ये मिल के काम कर रहे कि हम तकरीबन इंशाल्लाह 50% से ज्यादा गरीब बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह से कल माशाल्लाह गदग में मेरा कैंप हुआ, और मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ, स्पेशली फॉर ऑल माई फॉलोअर्स और ऑल माई दुश्मन, माई एनिमीज, ईच एंड एवरीबॉडी, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को कि ये जो मेरा काम है, ये जो मेरा काम चल रहा, ये जो मैं खिदमत कर रहा हूँ, ये जो मैं हक और नाहक आपको लाइव हर एक चीज रिजल्ट के साथ बता रहा हूँ, ये एक सच्चाई की जंग है, ये एक सच्चाई की जंग है। यूजुअली मेरे पास बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में आते खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी करता हूँ, शिफा देने वाला अल्लाह, लेकिन बंदे की भी जिम्मेदारी है कि अल्लाह से मांगे, अच्छाई की तरफ आए। और जब से मैं आप लोगों की खिदमत में लगे हुआ हूँ, मेरा रिश्ता मरीजों को छोड़े तो किसी से नहीं है। और कल जो मुझे कैंप के लिए बुलाए गदग के मिनिस्टर HK पाटिल साहब विथ 100 पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें ट्रिपल स्टार्स पुलिस वाले कम से कम 25-30 लोग मेरी खिदमत में थे वहाँ पे माशा, और 20 से ज्यादा मिलिट्री फोर्स थी, और इतना जबरदस्त काम करे अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग रिक्वेस्ट करने पे मैं उनकी पोजीशन की कदर करके मैं आया, नहीं तो मैं सिर्फ हैदराबाद, बेंगलुरु और गुलबर्गा में आप लोगों की खिदमत के लिए आ रहा हूँ। और ये सच्चाई की जंग, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में, यूजुअली थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स में हैं, वो लोग मेरे तक कुछ भी बोलते पीछे के आपके खिलाफ बहुत सारे साजिशां चल रहे, ऐसा आपके खिलाफ मीडिया इकट्ठा हो रही, आपके खिलाफ जो है कुछ ऐसा जो है डॉक्टर से इकट्ठा हो रहे, हकीमा इकट्ठा हो रहे आपको गिराने की साजिश में, एक बात कान खोल के सुन लियो, मैं किसी का नहीं सुनता हूँ सिवाय अल्लाह की। मैं डरने वाला और झुकने वालों में से नहीं हूँ। ये सब भी गुख खाने के कामा कर रहे सो है, चोबा खाने गुख खाने के कामा कर रहे सो है। मुझे अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह हमेशा सच्चाई का साथ देगा इंशाल्लाह। और या ताउल्ला सिवाय अल्लाह के किसी के बाप से नहीं डरता, ना कोई मीडिया हो ना कोई भी, ये बात कान खोल के सुन लो, क्योंकि अल्लाह के फजले करम से मैं दो तीन चार साल से इलाज करने को नहीं आ रहा हूँ। बचपन से मेरे वालिदा के पास सीखते हुए ये कुदरती चीज़ें, आज 6 साल के तजुर्बे, तकरीबन 600 साल का तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे उतना तजुर्बा दिया, वो हिकमत से मैं इलाज करता हूँ। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के साथ रुजू हो के अल्लाह के पास गिड़गिड़ा के मांग के शिफा हो, ना कि हमेशा दवाइयों में शिफा होता। मैं आपको बताता हूँ, आपके अमल में शिफा होता, आपकी आजिजगी में शिफा होता, आपकी जो मोहब्बत अल्लाह के लिए है उससे शिफा होता। चोरी का, धोखा, नाहक है नहीं, चोबा खाने के कामा, इससे सब बीमारियां, मुसीबत और आफतां चाहते सो है। वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, इज्जत देने वाली जात और जिल्लत देने वाली जात भी सिर्फ अल्लाह ताला की है। दौलत भी उन्हें देता, रिज़्क भी उन्हें देता, शोहरत भी उन्हें देता, सब कुछ उसके हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और हमेशा मैं आपको इतना बोलता हूँ, मेरे पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि इंसान की नीयत कभी भी बदल सकती, लेकिन मैं हमेशा आपके एक खिदमत के नीयत से जो कर रहा हूँ, इसीलिए अल्लाह जी मुकाम दिया स्वयं अल्हम्दुलिल्लाह। और चुप चुप मुझे 10 लाख फॉलोअर्स, इन लोगों ने चुप पैसे देखो बढ़ा लिए सुन हुए, ये लोग का फायदा उठा के मोहब्बत से फॉलोअर्स बन के फॉलो करके फायदा उठा लिए सो अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, यूजुअली मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स में है, मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, कम से कम 100 MLAs के मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन लोगों से भी मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आप लोगों प्यार मोहब्बत से आके मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिलता हूँ, अगरचे कोई भी लोग मेरे पीछे 100 बातें कर रहे होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लोगों के भरोसे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह के भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह मुझे जिस हाल में रखेगा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है।
और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और आप लोग भी मत सुनाइए यूनो तुम्हारे पीछे ये साजिश कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे ये पेशेंट आई वो पेशेंट आ उनको अच्छा हुआ करते, वो पेशेंट आ उनको खराब हुआ करते। जो अच्छा हुआ जो खराब हुआ वो अल्लाह बेहतर जाने। और जितना लोग फायदा उठा के अच्छा फायदा उठा ले रहे रिजल्ट्स में आपको लाइफ डाल, जो मेरे पास आके शिफा नहीं हो रहे उन लोगों को और मैं कोशिश करूँ कि और आप लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो, नमाज को कायम करो, शिर्क से तौबा करो, इन चीज़ों पे यकीन करो, अल्लाह डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। वो लोग आके बोलते ख्वाबों में आप हमारे ख्वाबों में आ रहे, आप हिम्मत दे रहे और इस्तेखारा करे तो सिर्फ आप नजर आ रहे बोलते लोग मुझे, ये सब अल्लाह की मदद है, ये बंदों से होने वाला काम नहीं है। एक एक रात में शिफा हो रहे, लोग उठ के बैठ रहे, जिंदगी और मौत अल्लाह देने वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं डॉक्टर हूं, मैं हकीम हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं खिदमत गुजार हूं जो अल्लाह के रसूल 1500 साल पहले तकरीबन जो तिब्बे नबवी जो नबी का इलाज था वो इलाज जो मैं अपने वालिद वालिदैन से सीखा अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज मैं बता के दे रहा हूं। और जितना हो सके आप घर पे बैठ के शिफा याब हो जाओ बोल के दे। समझ में आ रहा आप लोगों को? अभी मेरी बहन आए हुए हैं, उन्होंने तरस जरे थे एक सेकंड के वास्ते, मैं रात भर सफर करके आया कल, आज उदगीर में फिर भी डॉक्टर अंजुम मैडम उदगीर के एक मशहूर हस्ती सर्जन है, 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए, सीरियस क्रिटिकल केसेस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात से यकीन रख के सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे और लोगों को भी मदद कर रहे हैं। कौम का जज्बा उनके दिल में है, इसीलिए अल्लाह उनसे मुझे मिलाए और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से और उनके दिल में भी इखलास है बोल के मैं आज उदगीर में। उन्होंने बोले आप एक सेकंड आके, जो लोगों को भरोसा होता क्योंकि ऑनलाइन इतना फ्रॉड हो रहा, आप आके लोगों को एक नज़र दिखा के भी चले गए ना, आपके डॉक्टर से आप पे काम कर लेते, वो भरोसे के लिए आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह विजिट करा रात भर सफर कर। फिर भी बाहर मेरे चाहने वाले जो मुझे हर बार मिलते उन्हें एक सेकंड ऐसा देखते खाली मुझे दूर से, फिर भी मैं इशारा करके ऐसा बुला लिया आ जाओ बोल, आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही कि आपके इलाज से दो बच्चे मिसकैरेज हो गए हमारे, लेकिन आपके इलाज से आज बेटी हुई बोल के बेटी को उठा लेको है। ये क्या झूठी गवाही नहीं है, ये सच्ची गवाही है और अल्लाह भेजो से है इनको। और जितने लोग मेहनत करके शिफा होते, मेहनत करे तो शिफा होते, और शिफा अल्लाह के खजाने से मिलना है, बंदों के पास से नहीं। आपके अंदर इखलास है, मोहब्बत है तो अल्लाह आपको शिफा देते, आप लोगों के अंदर जलन है, हसद है, तकब्बुर है, ईमान नहीं है तो आप लोग शिफा नहीं मिलेंगे। एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़े तो भी जिनकी तरबियत अच्छी होती, जिनकी तालीम अच्छी होती वो बच्चे पास होते, और जिनकी तरबियत सही नहीं होती वो बच्चे जाहिर सी बात है फेल हो जाते। जब मैं स्कूल में पढ़ता था एक क्लास दो क्लास में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जो स्कूल में पढ़ा मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मैं, आप कैसे बच्चे थे, मेरा तो हमेशा मैं फर्स्ट बेंच फर्स्ट वन बैठता था, मैं हमेशा पहली बेंच में फर्स्ट जगह बैठता था मैं, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बचपन से बहुत शौक था। तो एक बच्चा हमारी क्लास का कुछ एग्जाम अच्छा नहीं लिखा, कोऑपरेट नहीं कर रहा बोल के टीचर क्या करे, मारे, टीचर का हक है, टीचर का हक है, पास हुआ अच्छे से पढ़ा तो तारीफ करते, नहीं पढ़ा तो डांटते मारते, उनके मारों से ही हम आगे बढ़ते। अब वो बच्चे को क्या करे, उन्होंने मारे एक दो मारा, मारने के बाद क्या करे, वो बच्चा करतूं करके बोल के चला गया बाहर, बाहर जाके अपने अम्मी को लेकर आया और उनके अम्मी आने के बाद टीचर के ऊपर हाथ उठाए, टीचर के ऊपर हाथ उठाए। मुझे याद है बचपन में एक क्लास में गौसिया मिस उनका नाम, आज भी मुझे उनका नाम भी याद है, गौसिया बोल के मेरे टीचर का नाम, वो बंदे का भी नाम मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज वो बंदा रौडियों की लिस्ट में शामिल है, आज वो बंदा रौडियों की लिस्ट में शामिल है और अल्लाह मुझे खिदमत की लिस्ट में डाले। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हर एक चीज अल्लाह की मदद से होता, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमेशा आप अच्छाई से, खुलूस मोहब्बत से कोई भी चीज़ हासिल कर सकते, ना कि आप जिद से, तकब्बुर से, हसद से, जलन से। आइए बात करेंगे इंशाल्लाह, मेरी बहन अभी बता रहे आपके इलाज के थ्रू हम अब जो बोले घर पे बैठ के सूरह बकरा वगैरह ये सारे चीज़ों में हम नशिफा और अब बेटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं माँ? अस्सलाम वालेकुम, बालकी से हैं। क्या है नाम बच्ची का? आयत नाज। क्या पहले मिसकैरेज हुआ क्या? जी, मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद क्या करे आप? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी,
आपके पास आ गए आपके इलाज से, अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव भी हो गई और बेटी भी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्ची कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। आप क्या हो नाम? आप सास हैं? हाँ बोलिए, आप जो बोल रहे थे अभी। पहले दो लड़कियां थे, पानी ज्यादा होने की वजह से निकाल दिए थे। आपके पास आए, सूर्य बकरा और आपका इलाज दोनों सो पाबंदी से करने से अच्छी लड़की हो गई हमारी। आपको बताने के वास्ते लाई मैं, आपसे मिली। सब आपकी दुआ है, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ मैं। सब अल्लाह अच्छा करे मेरे बच्चे को, बहू को, लड़की हो गई। बस लड़की हो गई। आप ये सच बोल रहे हैं या पैसे देके आपको बोलने करा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, तो बात ये बात नहीं बोल सकते, पैसे लेके झूठ नहीं बोल सकते हम, ऐसा झूठ कैसा बोलते हैं। ये सच्ची गवाही है, सच्ची सच्ची बात है। ये आपकी दवाइयों से, आपके सूर्य बकरा सुनने से ये लड़की हमारे घर आई, आपके सब दवाइयां करे, सब अच्छा है, आपको दिखाने लाई मैं। अच्छा, बच्ची का नाम क्या है? आयत नाज। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पैदा हुए जब 4 किलो के थे। अच्छा चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ, ये औलाद भी देने वाली जात अल्लाह ताला की, तो हर चीज अल्लाह से मांगो। और न को मेरे पास, अगर अब मेरे पास आएंगे तो इरादा करके हो अपनी जिंदगी, अपना लाइफ स्टाइल, अपना खान पान और अपने दिमाग के अंदर जो गंदगी है, गलीजा, ये उसे निकाल के आएंगे इंशाल्लाह। अगर वो नहीं निकालेंगे, टेंशन, गुस्सा, हसद, जलन, नफरत, गीबत, जाहिर सी बात है इलाज भी फेल होता। और मुझे मेरे नाम की फिक्र नहीं है, मेरा नाम चढ़ाने वाला उतारने वाला अल्लाह ताला है, मैं कोई घंटा मीडिया से नहीं डरता, खुली बात। और वो मीडिया मैं भी दिखाता हूँ, अल्लाह मेरा भी मीडिया स्ट्रांग रखे इस वे, अल्हम्दुलिल्लाह। करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया से फॉलो करते, चुप चुप गूगल नहीं बोलता, नंबर वन आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल के वो इंजिन सर्च करते ही बताते सो। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं भी फोटो के साथ, एड्रेस के साथ लगाता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मुझे मेरी वो तरबियत नहीं है जैसे आप लोगों की है। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो छत्ता रहता शहद का, पत्थर मारने के काम है ना, कुकर फिर मक्खियाँ को कान लोच लेते, फिर कहाँ कहाँ सूजन आएंगी, अल्लाह बेहतर जाने। बस शिफा के वास्ते मेरे कहने जाना पड़ता, समझ में आ रहा? ऐसे हरकतें करो उन को, फिर नीचे के मोटे हो गए तो मैं जिम्मेदार नहीं, ठीक है? तो कहाँ काटना हाल करते मेरे फॉलोवर्स छुपने हैं, अल्लाह के फजले करम से अल्लाह से जुड़े हुए हैं मेरे फॉलोवर्स, अल्लाह से जुड़े हुए लोग हैं मेरे फॉलोवर्स, मुझे गर्व है ये चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फॉलोवर्स ऐसे नहीं हैं, बड़े जिद्दी हैं, लेकिन हक के मामले में सच्चाई की तरफ, ऐसा शाहरुख सलमान के तरफ पूजा करने वाले नवे, शिर्क करने वाले नवे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हमेशा सच्चाई का साथ दियो और जितना होता उतना घर पर बैठ के इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करो इंशाल्लाह। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती, बस मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे लिए वही काफ़ी है इंशाल्लाह। हमेशा जब तक सांस है बस अल्लाह का ही नाम लेके अपनी ज़िंदगी गुजारो, हमेशा सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह, खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, नहीं का तो नौकरों से बदतर ज़िंदगी गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम कुछ बोलना सर? सवाल है जी। देखिए मैडम, माशाल्लाह घर पे बैठ के उनकी सर्जरी कैंसिल होके कितना अच्छा अपनी सेहत को बचा लिया मैडम। नहीं, आपके जो अल्लाह की मदद और आपकी शिफा के बॉटल्स और बहुत सारे आपके जो तदबीरें हैं, मेरा बाईपास सर्जरी जो था वो कैंसिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप लोगों से, सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ना चाहिए बेशक, और किसी की भी बातों में आके ऐसे अताउल्लाह खान साहब हूँ उनको जो बर्डन दे रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। हर कोई अताउल्लाह खान नहीं बन सकता, तुम अल्लाह से उतना रुझू हो, तुम्हें भी कैपेसिटी है अताउल्लाह खान बनने की, बेशक 100%। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता मेरे को कि आपको बर्डन नहीं देना चाहिए, आज आपके उद्गीर हमेशा आना है। और मैं एक बड़ी बहन के नाते अताउल्लाह खान साहब से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो इंशाल्लाह उद्गीर आएंगे और हमारे पास एक सेंटर्स भी खोल रहे हैं और हम एक यूनानी कॉलेज खोल रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम MBBS खोलेंगे, लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ यूनानी कॉलेज के लिए जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे ऐसे डॉक्टरों को इंशाल्लाह करेंगे कि अल्लाह ताला बेशक साथ देंगे। और मेरा बैंगलोर में भी एक प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह से, जहाँ बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे बड़े बड़े उलमा
ये मिलके काम कर रहे कि हम तकरीबन इंशाल्लाह 50% से ज्यादा गरीब बच्चों को। ये बोल रही हूँ मैं खुद इनफर्टिलिटी में बहुत ज्यादा मतलब काम कर चुकी हूँ। मैं IVF सेंटर चालू करने वाली थी लेकिन आपके नुस्खे मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ माशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि हर चीज मतलब अल्लाह की जो है उस तदबीर में अपन ने इंसान ने हाथ नहीं डालना चाहिए। और इसके लिए हमने जो खुदाई जो मसला है वही मसले को रहते हुए ये यूनानी इलाज ही बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते उसको भी सपोर्ट करते हुए नेचुरल चीज़ों को जब अल्लाह से जोड़ना एक सही और एक सच्चे डॉक्टर की निशानी है कि बंदे को अल्लाह से जोड़ना। जब बंदा कुदरती चीज़ों में ही शिफा हो जा रहा तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सच्चे डॉक्टर की निशानी है। डॉक्टर अंजुम मैडम से मैं गर्व फील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर सच्चाई है। इस वजह से आज उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने का एक मजबूत इरादा करे और अल्लाह वो इरादे में कामयाब होने के लिए मुझे उनसे जोड़े ताकि मैं कौम के काम आ सकूँ इंशाल्लाह। और ना कि सिर्फ ओनली उदगीर गदक और बैंगलोर के तरफ भी ऐसे ऐसे उलमा भी माशाल्लाह से मेरे ये काम में साथ दे रहे, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स भी मेरा साथ दे रहे और मैं दिलो जान से जब तक अल्लाह मुझे ज़िंदा रखा मैं काम के लिए तैयार रहूँगा और मैं फिर से कभी नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक एलोपैथिक MBBS MD DGO वो होने के नाते माशाल्लाह कुदरती चीज़ों को लोगों को डॉक्टरों को कुदरत के तरफ अल्लाह के तरफ जोड़ रहे, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है उनकी। इसीलिए अल्लाह उनको सेहत हमेशा, मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह इसे डॉक्टर्स को कौम के लिए हमेशा सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और कौम के हमेशा इसी तरह काम आने की नेक तौफीक अता करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।